म्यूजिक। हरी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं हर सुबह। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय YouTube चैनल ऑसम टैनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑसम टैनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह के 3D इफेक्ट वाली स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस एडिटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स का यूज हुआ उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देन उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद चलेंगे फोन के स्क्रीन पर, ओपन करेंगे नोट वीडियो एप्लीकेशन को, एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। दोस्तों नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले आप मेरे चैनल पर जाकर जाकर प्ले लिस्ट को ओपन कीजिएगा। सुबह सुबह प्ले लिस्ट ओपन करने के बाद पूछना चाहिए जैसे जैसे आप यहां पे देख सकते हैं काफी सारे प्ले लिस्ट आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो आपको नोट वीडियो ट्यूटोरियल वाला जो है इसे आपको ओपन करना है और फिर यहां पे आपको काफी सारे प्ले लिस्ट वीडियो मिल जाएंगे। तो आप जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं आपको वहां पे मिल जाएगा, डायरेक्ट क्लिक मत बात आप इसकी वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए चलिए फोन कैसे ऑन करते हैं और वीडियो एप्लीकेशन को एडिटिंग करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे एक मुझे जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आई फ्रेंड्स चलते फोन के स्क्रीन पर। सो कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर दिया, देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मिनी मोड के जस्ट ऊपर में जो एक एरो दिख रहा है इस पर आपको सिंपली टैप करना है। लोड प्रोजेक्ट डिजिट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आपका फाइल मैनेजर ओपन होकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड में चले जाइएगा। सो कि डाउनलोड में जाने के बाद आपको जो मैंने प्रोजेक्ट दिया था डिस्क्रिप्शन में उसे आपको सिंपली ले लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला लव 3D ऑसम करके जो यहाँ पे देख सकते हैं जीप फाइल, तो इसे आपको सिंपली ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स जब इसे ओपन कीजिएगा तो नीचे में ऐड हो जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे नीचे यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने में थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और ये ओपन होकर आपके फोन के स्क्रीन पर आ जाएगा। बस थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग ले रहा है तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें सॉन्ग लगा हुआ है बट अगर आप सॉन्ग चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इस तरह के कुछ इंटरफेस आएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सिंपली आपको ग्रुप पर क्लिक कर देना है, जो कि ग्रुप पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ऑडियो को सिलेक्ट कीजिए, 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। आप अपने मनपसंद सॉन्ग लगाना चाहते तो या फिर इसी सॉन्ग को यूज करना चाहते हो तो रहने दीजिएगा। इस सॉन्ग को डिलीट करने के बाद यहाँ पर जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर आपको सिंपली टैप कर लेना है। टैप करने बाद मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको लोड फ्रॉम फाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। सो जिस पे इस पे आप क्लिक कीजिए तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ ऑडियो का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, आपका जितना भी सॉन्ग होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा या फिर जिस भी फाइल में आपका सॉन्ग है वहाँ पे चले जाइएगा और जो भी सॉन्ग आप यूज करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड्स मेरा ये सॉन्ग जो है 38 सेकंड का है तो इसे हमें थोड़ा क्रॉप करना होगा। क्रॉप करने के लिए यहाँ पे जो ये पॉइंटर दिख रहा है इसे लेकर यहाँ पे लास्ट में कर लीजिएगा, यहाँ लास्ट में कर लीजिएगा। लास्ट में करने के बाद फ्रेंड्स ऊपर जो ये एरो देख सकते हैं इस पर एक बार टैप कीजिएगा तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑडियो को सिलेक्ट कीजिएगा, ट्रिमर पर क्लिक कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से कट जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करके 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और इसे डिलीट कर दीजिएगा। सॉन्ग एकदम बराबर हो गया जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी इस एरो पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा। अभी इस साइड में स्क्रॉल कीजिएगा, आपको मॉडल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करके रिप्लेस कर देना है। जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके आप एल्बम में चले जाइएगा या जिस भी फाइल आपका जैसे यहाँ पे आपके फोन में दिख रहा होगा वहाँ पे चले जाइए और सिंपली आपको जिस भी फाइल में आपका PNG आप रखे होंगे मॉडल PNG उसे आपको सिंपली ले लेना है। तो मैंने फोटो रूम की मदद से यहाँ पे PNG कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे देख सकते कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो मैं इसमें से एक पिक्चर को ले लेता हूँ, जो पहले भी मैंने इसी पिक्चर को लिया था। यहाँ पे देख सकते ये मेरा अर्जेस्ट ही है, बट आप इस तरह से दूसरा इमेज भी ले सकते हैं। इमेज को ऊपर नीचे करने के लिए इस बटन का मदद ले सकते हैं आप, पोजीशन का बीच वाला बटन। लेफ्ट राइट करने के लिए आप पोजीशन का फर्स्ट वाला बटन ले सकते हैं, ठीक है। जूम आउट और जूम इन करने के लिए, मतलब जैसे यहाँ से आप देख सकते पेड़ के पीछे जाना है या उससे भी पीछे जाना है तो उसके लिए आप इस लास्ट वाले बटन का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बैरियर जो लगा हुआ है उसके पीछे रहेंगे, ठीक है, तो उसके नीचे। देन इसके बाद स्केल की मदद से आप इसे छोटा कर सकते हैं। तो स्केल में आप इस साइड वाला जितना रखिएगा दूसरी साइड वाला भी उतना ही रखिएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो बराबर रहेगा, लेंथ वेट दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर आगे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, मॉडल सेकंड वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, रिप्लेस कीजिएगा। रिप्लेस करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे जो भी मॉडल आप लेना चाहते हो उसे ले लीजिए। चलिए तब तक के लिए मैं इसे ही यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। इसे ऐड करने पे थोड़ा सा ऊपर से कट रहा है क्योंकि ऊपर में इसके स्पेस नहीं था जिसकी वजह से कट रहा है। तो फिर इसके हेड पे देख सकते हैं यहाँ ब्लैक आ रहा है, तो चलिए मैं दूसरा ले लेता हूँ, रिप्लेस करते हैं। और फिर 3 डॉट पर क्लिक करके एल्बम में चलते हैं। देन यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी इमेज है जो मैं पहले से इरेज करके रखा हूँ, तो मैं वहाँ से एक इमेज को ले लूँगा। तो फोटो रूम में चलते हैं, देन यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारी इमेज आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें से एक इमेज को मैं ले लेता हूँ। जैसे इस वाली इमेज को ही मैंने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट कर देंगे, तो यहाँ पर इमेज आ चुका है। अब इसे लेफ्ट राइट करने के लिए इस बटन की मदद ले, इसमें भी थोड़ा सा हेड पे ऊपर में आ रहा है, ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। वो ऊपर में स्पेस ज़्यादा रहता है तो नहीं आता है, कम रहता है स्पेस तो आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर नीचे आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा अच्छे से यहाँ पे, जैसा कि मैं यहाँ पे
इसे देख सकते हो, आगे पीछे भी आप इसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे जितना आगे लाना चाहे ला सकते हैं, जितना पीछे ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुका है, ये काफ़ी अच्छी तरह से हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सिंपली इसे एक्सपोर्ट करना है। फ्रेंड्स एक्सपोर्ट करने के लिए ये वाला जो एरो देख सकते हैं इस पर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो ग्रीन वाला बटन जो देख सकते हैं इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे को जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।